हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल वेलकम टू ची एन ची व्लाग्स जो आप मूर्ति देख रहे हैं ये गौर और ईश्वर जी की है गनगौर में हम लोग इसी की पूजा करते हैं और ये मैंने थोड़ी बहुत पिक्स ली थी साड़ी पहनी थी मैंने वही दिखा रही हूँ जो ये चुनरी है इसको हम लोग ओढ़ना बोलते हैं ये हम लोग के में ओढ़ते हैं एक आजकल तो मैं आजकल आजकल तो मैं साड़ी नहीं पहनती पहले की एक साड़ी है ये ऑरेंज कलर की बहुत सुंदर साड़ी है ये पहनी थी मैंने और ये मैं पूजा कर रही हूँ हम लोग गौरव गौरा और ईसर जी को ऐसे रखते हैं एक प्रॉपर बास्केट रहता है बट अभी घर पे बनाई थी मैंने मूर्ति तो इसलिए मैंने उससे पाटा के ऊपर रख लिया और ये ओढ़ना मैंने बनाया था सिंपल सा तो ये घनघोर की पूजा हम लोग सुबह करते हैं उसके बाद मैंने लंच प्रिपेयर किया लंच में मैंने मूंगा जो रहता है ड्रम स्टिक उसकी दाल बनाई थी उसकी रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ आप लोग से बहुत इजी होती है बट नॉर्मल दाल से बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है तो मैं कभी कभी ऐसी बना लेती हूँ कई बार मैं मूँगा की सब्ज़ी बना लेती हूँ लाइक बड़ी डाल के और कई बार मूँगा की दाल बना लेती हूँ ये बहुत टेस्टी लगता है तो मैं इसके लिए नॉर्मल दाल बना ली कुकर में नमक हल्दी डाल के रहड़ की दाल जो रहती है अरहर की दाल वो मैंने नॉर्मल दाल बना ली है जैसे बनाते हैं उसके बाद मैंने मूँगा को एक, आ, काट लिया देन थोड़े से प्याज टमाटर अदरक लहसुन हरी मिर्च मीठा नीम जो भी ये सब नॉर्मल हम लोग छोंकते हैं ये सब सामान मैंने काट लिया इकट्ठा कर लिया देन मैं कढ़ाई में तेल डाल रही हूँ अब इसमें मैं प्याज अदरक और लहसुन मैंने सब एक साथ ही कट कर लिया था वो डाल पहले मैंने जीरा डाला राई डाला जीरा डाला देन हिंग थोड़ा सा और फिर सब चीज़ें मैंने जो इकट्ठा कट कर ली थी प्याज अदरक और लहसुन वो मैंने डाल दिया इसमें फिर आ, उसको थोड़ा सा सेकना है मतलब लाइक जब वो थोड़ा सा ब्राउनिश हो जाता है प्याज बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है थोड़ा सा ब्राउनिश हो जाता है उतना ही सेकना है और आप इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं बट मैंने हरी मिर्च नहीं डाली थी क्योंकि बच्चे मेरे खाने वाले हैं तो वो हरी मिर्च मुँह में आती है तो फिर खाते नहीं उन लोग तो मैंने इसलिए हरी मिर्च नहीं डाली थी मैं थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल दूँगी लाल मिर्च पाउडर उन लोग खा लेते हैं बट हरी मिर्च नहीं खाते बस ये वही छौंक का सामान डाल रही हूँ मैं ये प्याज अदरक और लहसुन डाल रही हूँ इसको थोड़ा सा सेकना है और जब ये अच्छी तरह से सीख जाएगा लाइक थोड़ा सा ब्राउनिश तो इसमें मैं मूंगा डाल दूंगी जैसे कि आप देख सकते हैं अभी ये थोड़ा सा ब्राउनिश हो गया है मैं ऑयल बहुत कम यूज़ करती हूँ इसलिए आपको कढ़ाई थोड़ी सी ऐसे आ, ऐसे लग रहा है कि जल गई है बट जली नहीं है मैं कम ऑयल में बनाती हूँ खाना और ये मैं थोड़ी सी हल्दी मिर्ची थोड़ा सा हल्दी पाउडर थोड़ा मिर्च पाउडर थोड़ा सा धनिया पाउडर ये सब डाल दिया मैंने सूखे मसाले अब इसको हल्का सा सेकना है देन इसमें मैं अभी मूँगा डाल दूँगी मूँगा डालने के बाद में इसे थोड़ा सा सेकना है मूँगा को भी ताकि उसका कच्चापन निकल जाए आप चाहे तो लो फ्लेम में भी सेक सकते हैं मीडियम में भी सेक सकते हैं बट मेरे को थोड़ी सी जल्दी थी इसलिए मैंने हाई फ्लेम मतलब मीडियम हाई फ्लेम में थोड़ा सा उसे सेक लिया ढक के टू मिनट्स के लिए अब ये मूँगा सीख गया है तो मैंने इसमें नमक डाल दिया मूँगा के अकॉर्डिंग दाल में हमने अलग से नमक डाला हुआ है तो इसमें मूँगा के अकॉर्डिंग सिर्फ़ नमक डालेंगे अब नमक डालने के बाद मैंने इसे ढक दिया ताकि मूँगा अच्छी तरह से गल जाए मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लिया ताकि वो सूखे मसाले जले नहीं अभी उसके बाद मैंने उसे ढक के फाइव मिनट्स तक ढक के पका लिया ताकि मूंगे अच्छी तरह से गल जाए जैसा कि आप देख सकते हैं मूंगा अभी थोड़ा सा पक गया है तो उसमें मैंने टमाटर डाल दिया अब टमाटर को अच्छी तरह से मिक्स करके उसमें सेक लेना है ताकि टमाटर पूरी अच्छी तरह से गल जाए अगेन हम पैन को ढक देंगे पैन को ढक दिए तो मैंने देखा अभी ये टमाटर गल गया तो अभी जो दाल हमने कुकर में बना के रखा था नॉर्मल दाल उसे मैंने मिक्स कर दिया इसमें और अच्छी तरह से चरम मिक्स करने के बाद उसमें थोड़ा सा आप चाहे तो नींबू डाल सकते हैं थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल सकते हैं थोड़ा सा गरम मसाला डाल सकते हैं बट मैं डेली के में खाने में गरम मसाला जल्दी यूज़ नहीं करती नॉर्मली रखती हूँ खाना को ये अच्छे से उबल आ जाए उबाल आ जाएगा तो ये बहुत टेस्टी लगता है खाने में नॉर्मल दाल से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है ज़रूर ट्राई करिएगा और ये दोपहर का खाने के बाद हम लोग चार पाँच बजे जो गनगौर माता रहती है उनका विसर्जन करते हैं तो मैं फिर से भगवान जी की पूजा कर रही हूँ थोड़ी सी और भोग लगा रही हूँ भगवान को गौर गनगौर जी को उसके बाद गीत भी गाते हैं कई लोग बट मुझे इतनी अच्छी तरह से गीत आता नहीं है मम्मी भी है नहीं तो मैं नॉर्मल जिस तरह से मुझे आता है मैं वैसे ही पूजा करी और उसके बाद हम लोग विसर्जन कर देते हैं गणगौर माता को तो बाहर कहीं तो जाना नहीं है नहीं तो एकदम धूमधाम से करते हैं ये फेस्टिवल तो मनाया जाता है हम लोग के में बट अभी कहीं जाना नहीं इसलिए मैं घर पर ही विसर्जन करूँगी आप आगे देखेंगे मैंने कैसे किया मैंने गंगूर जी को एक थाली में रख कर आप चाहें तो बास्केट में या फिर उनका ये डलिया टाइप का बना होता है उसमें भी रख सकते हैं जो लाइक बड़ा दिया टाइप का रहता है ना उसी में मिल के बन के मिलते हैं मार्केट में ख़रीदने जाने पर बट मैंने घर पे ही बनाया था तो मैंने एक थाली में रख कर बाहर लेकर आई उनको और फिर ये एक टब में मैंने पानी भर के रखा था तो उसमें धीरे धीरे मूर्ति को उसके अंदर रखेंगे और फिर भगवान जी उसमें लाइक अप, अपने आप ही विसर्जित हो जाएंगे मिट्टी के तो बने हुए हैं तो वो मिट्टी अच्छी तरह से गल जाएगी फिर इस मिट्टी को हम गमला में डाल देंगे अब मिट्टी से बने हुए हैं तो पानी में रखते ही वो मूर्ति टूट गई थी थोड़ी सी जैसे कि आपने देखा सिंह अच्छा सिंह कल हम लोग घनगोर की पूजा करते हैं कोई गलती तो, हो तो माफ कर देना से कुछ और कर रही हूं। पार्वती जी ही होते हैं बहुत धूमधाम से मनाया जाता है ये फेस्टिवल हम लोग के मैं बट अब लॉकडाउन के कारण घर पे सिंपल तरीके से कराए हैं मैंने मूर्ति भी खुद घर पे ही बनाई घर पे कलर किया घर पे थोड़ा बहुत पोशाक पहनाया उनको देन सिंपल तरीके से पूजा करके घर में जो भी अवेलेबल चीजें थी उनसे ही पूजा करके घर पर ही विसर्जित किया ऐसा आप भी कर सकते हैं नहीं तो हम लोग के में वैसे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है लाइक like, जितने भी मतलब न्यूली मैरिड रहते हैं गर्ल्स जिनके नई नई शा या तो जिनके मैरिड नहीं हुई रहती मैरिज नहीं हुई रहती वो गर्ल्स भी और जो न्यूली मैरिड रहते हैं वो भी बहुत धूमधाम से मनाते हैं एकदम सुंदर सुंदर कपड़े लाइक like, अपने शाद जो ब्राइडल लहंगे रहते हैं वो पहनते हैं बहुत सुंदर से तैयार होते हैं और एकदम ग्रैंड तरीके से मनाया जाता है बट अभी सिंपल वे में किया है हम लोगों ने घर में और ये ब्लॉग अगर आप लोग को पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग और जो मैंने मूँगा की दाल की रेसिपी की वो बहुत ही सिंपल होता है बट बट तो बहुत ही टेस्टी होता है खाने में एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा थैंक यू कीप वॉचिंग बाय बाय